वर्ष कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वर्ष, आज मैं बना रही हूँ मटन, और मटन के अंदर मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर गोश्त प्याज सब चीज़ें मैं एक साथ डालूंगी, और उसके बाद मैं इसे 15 25 से 30 मिनट जो है ना पकने के लिए रख दूंगी। तो आज मैं इसकी तेल के साथ नहीं बना रही, तेल इसके अंदर डालेंगे एंड में। पहले हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगी कि किस तरीके से आगे इसका क्या करना है। तो मैंने लिया 1 किलो जितना मटन, और मटन को अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी प्याज जो मैंने 5 से 6 अदद काट ली थी, वो भी बड़ी साइज की। बड़ी बड़ी जो है ना प्याज मैंने काटी है, और टमाटर भी मेरे पास फ्रीजर में जो रखे हुए थे बड़े साइज के टमाटर, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, वो भी मैंने लिए 3 से 4 अदद 1 किलो गोश्त में। तो ये मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर फिलहाल हमें कोई ऐसे ज़्यादा मसाला नहीं डालना, सिर्फ हमें इसके अंदर डालनी है प्याज और टमाटर और नमक हम शामिल करेंगे इसके अंदर। तो हम शामिल करेंगे नमक इसके अंदर आधा से पौना चाय का, जितना आपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हल्दी में लेंगे आधी चाय की चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे मिर्च अपने हिसाब से आप बनाएगा। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आपको जितना टेस्ट पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेगा। और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी, इसके अंदर जाएगा पानी। पानी में लेंगे इतना कि हमारा गोल कितना गल जाए, और इसके अलावा मैं डालूंगी इसके अंदर बड़ी इलायची 2 से 3 अदद। मैं अभी इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 बड़ी इलायची और 1-2 स्टिक दालचीनी की स्टिक और 1 से 2 बादियान के फूल। ये मैं इसे डालकर और इसे चूल्हा जो है ना ढक्कन ढक कर रख दूंगी, और मेरा जब इसके अंदर उबाल आएगा तो इसे हल्के मीडियम चूल्हे पर इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा गल जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा गोश्त जो है ना बिल्कुल जो गल चुका है, बहुत ज़्यादा नरम और बिल्कुल जो है ना खाने जैसा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर, देखिए ये देखिए बिल्कुल गोश्त हमारा गल चुका है, बिल्कुल 2 हिस्से हो गए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और चूल्हे का फ्लेम भी तेज थोड़ा कर दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर मैं डालूंगी अब इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो है ना कोरमे का मसाला, एक चम्मच जितना ही मैंने थोड़ा सा कोरमे का मसाला शामिल किया है। और मैं इसे ढक्कन जो है ना इसका ढक दूंगी ताकि इसका जो है ना अच्छे से पानी खुश्क हो जाए, और हमारे जो आलू हमने डाले वो भी गल जाए। तो एक बार इसके साथ अब मैं यहाँ पर ऑयल भी डाल दूंगी साथ ही साथ, ताकि हमारा ऑयल भी जो है ना इसके अंदर शामिल हो जाए, और इसकी भुनाई जो होगी ना वो अच्छे से होगी। तो 1/2 कप मैं ऑयल ले रही हूँ, 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, और जो अब मैं इसके अंदर इसको रखूँगी फुल आँच तेज पर, और ढक्कन ढाक दूंगी ताकि हमारा जो ये मसाला है अच्छे से जो है ना बिल्कुल गल जाए। और फिर इसको जो है ना भुनाई करेंगे इतनी कि जो इसकी हीक वगैरह होती है ना गोश्त की, वो भी सब खत्म हो जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो है ना गोश्त, मैंने चूल्हा तेज कर दिया था इसका, और ये हमारा यहाँ पे गोश्त बन रहा है, और इसको अब इतनी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। तो हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है इसकी भुनाई, गोश्त की भुनाई करने से ना इसमें स्मेल आती है, और ना ही जो है ना इसका ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो जितनी अच्छी भुनाई करी जाएगी उतना अच्छा हमारा सालन अच्छा बनेगा। तो हम इसी करते हैं भुनाई। बस यहाँ पर मेरा जो गोश्त है बिल्कुल उसका पानी सूख गया है, और बिल्कुल गोश्त हमारा भुन गया अच्छे से, और बहुत हमने इसको भुना है, इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी ऐड करूंगी, और पानी डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट जो है ना दम पर पकाऊंगी, फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी।
चूल्हे पर मेरी सालन बन रहा है, दूसरे चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां मैंने यहाँ पे बेल कर रखी है, ये हमारा आटा, रोटियां हमारी बन रही है। और मैं इसके अंदर अब जो है ना रोटी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया काफी। सालन मेरा दम पे बन रहा है और रोटी भी मेरी बन रही है। इसके अंदर डाल रही है दूसरी भी रोटी, तो इस तरह से हम रोटी बेल बेल कर इसे डाल रहे हैं। बस ये दूसरी रोटी मेरी उतर रही है। इस तरह से हम एक एक करके सारी रोटी डाल देंगे, जब तक हमारा सालन भी दम पे बन जाएगा। और ये हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है व्यूअर्स, बहुत ज्यादा गर्मी है। सूरज बिल्कुल मुंह के सामने ही है और किचन में बहुत ज्यादा गर्मी। व्यूअर्स मेरी भी रोटी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, तैयार हो रही है। और अब गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ गई है, 1:12 बज रहे हैं, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है ना टाइम हो गया है और बहुत ज्यादा तपिश हो गई है। तो व्यूअर्स हम रोटी बनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बस हमारा मज़ेदार सा मटर और आलू का शेरवा वाला सामान तैयार हो गया है। मेरी रोटी भी यहाँ पर तैयार हो गई है, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।